दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले धरती आज की तरह नहीं थी। इस पर बेहद ही विशाल एवं दैत्यकार जीवों का राज था। ये जीव न सिर्फ बेहद ही विचित्र एवं विशाल थे, बल्कि ये जीव बेहद ही खतरनाक एवं खूंखार थे, जो अपने से विशाल जीवों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। चाहे हम बात करें 50 फुट लंबे सांप की, या हम बात करें विशाल दैत्यकार बंदर की, या फिर ऐसे मगरमच्छों की जो विशाल डायनासोर का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। मानव प्रजाति बेहद ही खुशनसीब है कि ये खतरनाक जीव आज विलुप्त हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे विलुप्त हो चुके खतरनाक एवं विशाल प्राचीन जीवों के बारे में। जायजाइंटोपिथेकस। दोस्तों, आप में से कई लोगों को द जंगल बुक में दिखाए गए इस बंदर से डर तो लगा ही होगा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि यह जानवर कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, तो आप में से कई लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यह प्राचीन एप्स की एक प्रजाति है जो आज से करीब 1 करोड़ साल पहले आधुनिक भारत, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया के जंगलों में पाई जाती थी। ये जीव करीब 10 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 400 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता था। भले ही ये जंगलों में मौजूद पेड़ पौधे एवं फल खाया करते थे, पर इनके मजबूत जबड़े किसी भी इंसानी खोपड़ी को तोड़ने में सक्षम थे। इनके फॉसिल्स को सबसे पहले 1935 में चीन की गुफाओं से खोजा गया था एवं इसके बाद इनके फॉसिल्स वियतनाम एवं थाईलैंड के कुछ क्षेत्रों में मिले थे, जिनसे अनुमान लगाया गया कि ये जीव आज से करीब 1 लाख से लेकर 3 लाख साल पहले आए आइस एज के कारण विलुप्त हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जीव आज भी जीवित है, जिन्हें बिगफुट एवं यटी के नाम से पुकारा जाता है। टाइटेनोबोआ। दोस्तों, यह विशाल सांप की एक प्रजाति थी जो आज से करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया क्षेत्र में पाई जाती थी। ये विशाल सांप 40 से 50 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 1 टन तक होता था। ये जीव ज्यादातर समय पानी के अंदर ही बिताते थे। सांप की यह प्रजाति बेहद ही खतरनाक थी, जो अपने से भी बेहद विशाल जानवरों एवं मगरमच्छों का शिकार किया करती थी। इनकी उत्पत्ति डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद हुई थी, इस कारण ये उस समय मौजूद सबसे विशालकाय जीवों में से एक थे। अगर इनकी तुलना वर्तमान में मौजूद सबसे लंबे सांपों से की जाए, तो यह सांप अब तक के खोजे गए सबसे लंबे सांप से भी लगभग 2 गुना है। सन 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में इस सांप के करीब 28 फॉसिल्स को ढूंढा गया था। इस खोज को साल 1902 में खोजे गए टी रेक्स के फॉसिल के बाद सबसे बड़ी खोज बताई जाती है। सार्कोस्यूचस। क्रोकोडाइल की यह प्रजाति आज से करीब 11 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में पाई जाती थी। यह मगरमच्छ करीब 40 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 8 टन तक होता था, जो इन्हें धरती पर पाए गए अब तक के सबसे विशाल मगरमच्छों की प्रजातियों में से एक बनाता है। रिसर्च में पाया गया कि ये मुख्य रूप से अफ्रीका एवं साउथ अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते थे। ये इतने विशाल एवं खतरनाक होते थे कि ये अपने से विशाल डायनासोर्स पर हमला